रविवार को गोरखपुर स्थित सीतापुर आई हॉस्पिटल में भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा आयोजित पूर्वांचल के गोरखपुर में पहली बार पूर्णतः निःशुल्क वृहद विशिष्ट चिकित्सा परामर्श और विशिष्ट जांच शिविर में शहर के जाने माने चिकित्सकों ने शिविर में आए मरीजों का जांच किया। जांच शिविर में सुबह से ही दूर दराज से आए मरीजों का तांता लगा हुआ था। शिविर में विभिन्न बीमारियों से जुड़े शहर के लगभग 50 डॉक्टरों ने 1000 से अधिक मरीजों की जांच किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए अध्यक्ष भारतीय चिकित्सा संघ डॉक्टर जेपी जायसवाल ने कहा, कुसुम शर्मा IMA गोरखपुर के द्वारा पूज्य महाराज जी के निर्देश पे और उनके अनुमति और उनके संरक्षण में पिछले 25 मई 17 को IMA गोरखपुर ने निःशुल्क क्लिनिक की शुरुआत की थी, जिसमें डेली स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट सभी ब्रांच के यहाँ पर बैठना शुरू किए। और आपको जान के हर्ष होगा कि अब तक लगभग 11,000 पेशेंट्स को निःशुल्क रूप से देखा जा चुका है। अब एक वर्षगांठ हो चुकी है, इसके उपलक्ष में हम लोग मेगा कैंप का आयोजन किए हैं। इसमें सभी स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट तो मौजूद है ही हैं, साथ में बहुत सारे जांच की सुविधाएं हैं, जैसे ECG है, BMD है, निःशुल्क शुगर की जांच, निःशुल्क थायराइड की जांच, ब्लड के और सारे तत्वों की जांच तथा वो स्पायरोमीटर द्वारा सांस के कैपेसिटी की जांच हो रही है। और भी बहुत सारी सुविधाएं हम लोग फ्यूचर में भी देंगे, फिर से मेगा तो लगते रहेंगे समय समय पर। कितने डॉक्टरों की टीम लगी हुई है सर? शहर के जो टॉप मोस्ट डॉक्टर हैं उनमें लगभग सभी की लगी, मतलब कोई भी टॉप मोस्ट डॉक्टर ऐसा नहीं है, अछूता नहीं है, जिसको कि इसमें रुचि ना हो और जो आया ना हो स्वयं से। आप देख रहे होंगे सुबह से 8 बजे से यहाँ पर लगी हुई है भीड़, लोग देखे जा रहे हैं और सारे विभाग के लोग 700-800 मरीज तो अब तक देखे जा चुके हैं, अभी और आगे देखे जा रहे हैं। हम लोगों ने सोचा था कि 9 से 10 बजे तक पर्चा बनेगा, उसके बाद हम लोग मरीज देखेंगे, लेकिन पर्चा तो सिलसिला थम ही नहीं रहा है, अभी बनता ही जा रहा है। अभी भी लगभग 50 लोग बाहर पर्चा बनाने की लाइन में लगे हुए हैं।